चलिए स्टूडेंट देखिए, सिक्स क्वेश्चन है 5.2 का। हमें क्या करना है, चेक करना है वेदर वन माइनस बेटा वन जो दिया बेटा माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी ऑफ 11852। ये बताना है हमें कि ये टर्म, ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ये इसकी टर्म है क्या 1 माइनस 50 बेटा -1 -1 -1 50। ओके तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम इसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ए हमारे पास में मान लेंगे हम A1, A1 कितना है हमारे में 11, D कितना आएगा A2 - A1, A2 कितना है 8 - 11, तो D कितना जाएगा, D आ जाएगा बेटा -3, D आ जाएगा -3। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और AN हमारे पास में कितना जाएगा, AN जो ऊपर दिया बेटा -50, तो हम इसको मान लेंगे देयरफॉर AN क्या मान लेंगे, AN = 1 - 50। ओके AN मान लेंगे, उन्होंने बताया बेटा ना एन टर्म जो है बेटा ये AN ये है क्या नहीं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला वही बेटा AN = A+N-1 × D। AN कितना है बेटा -150 = A कितना है 11 प्लस N हमें निकालना है बेटा N - 1, D कितना है -3। 11 को इधर लेके -150 बेटा प्लस 11 ही जाएगा, तो -11 = N - 1 × बेटा ये -3, माइनस माइनस कितना जाएगा -160 बेटा -1 × ये -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसको डिवाइड करो स्टूडेंट्स। 161 को अगर हमने 161 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा, यस तो फिर हमें इसको इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आंसर आ जाएगा 161/3 = N - 1। माइनस वन को इधर लेके आ जाओ बेटा, 161/3 तो बेटा +1 = N। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 161 + 3 = N इसका आंसर अगर हम निकाले बेटा 161/3 = N। मुझे बता इनकी टर्म कितनी आ रही बेटा, भले 164 को हम डिवाइड करेंगे तो 164/3 हाँ, तो उसको डिवाइड किया तो हमें ये मिल रहा है क्या -150 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो बेटा हाँ तो उसको क्या कहेंगे बेटा हम -150 is not term of AP। समझ में आ गया क्वेश्चन, यस सर, टेक द स्क्रीनशॉट सर। हाँ पूछो ना सर, ये वाली एक्सरसाइज में 19th और 20th क्वेश्चन नहीं है, और जो अगली वाली एक्सरसाइज है उससे 15th नंबर के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन डिलीट है। हाँ, इसमें कौन कौन से नहीं है, 19th और 20th ये दो ही नहीं है सर, बाकी है क्या, हाँ बाकी के है। चलो ठीक है, ले लेते हैं प्रॉब्लम डेली डे। हाँ चलो सर, डेली लाइफ रिलेट, ओके नो प्रॉब्लम, उसको चेक कर लो एक बार यूट्यूब पे, तुम आज टिक कर लो घर पे देखने बाद में, फिर मुझे कल बताओ ना। ठीक है, लेने के हमें लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते, चलो आप आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आया, फाइंड द 31st टर्म फाइंड करनी हमें, जिसमें 11 टर्म हमें 38 दी गई बेटा, 16 टर्म 73 दी गई। क्वेश्चन बहुत इजी बेटा, देखो तो सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, आप किसको क्या करना है एग्जाम में, जो आपको दिया गया 11th टर्म तो ऐसा लिखने का, अच्छा एक काम करो A11 लिखो, क्या लिखो बेटा, Here A11 कितनी है बेटा 38, क्वेश्चन में देखो 38, देखो A11 कितनी बेटा 38, 16 टर्म इज 70 और आएगा बेटा A16 = 70 A16 73। ओके, अब हमारे पास में A भी नहीं है, D भी नहीं है, तो फिर फॉर्मूला हम वो यूज करेंगे, मतलब हमारा AN =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू, आपने क्या करना है पहले ये फर्स्ट इसको सॉल्व करना है, बाद में इसको सॉल्व करना है, ठीक है, न तो ऐसा करूंगे, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं इसको बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर दे, ए एन देखो एन के ऊपर कितना आ रहा है यहाँ पर एलेवन आ रहा है, कितना आ रहा है एलेवन, यहाँ लिख दी बेटा ए एलेवन इज इक्वल टू ए प्लस एन के ऊपर लिख बेटा एलेवन माइनस वन इंटू डी, ए एलेवन कितना है 38, पुट करो यहाँ पर 38 इज इक्वल टू ए प्लस एलेवन में से वन का बेटा 10 डी, इससे इक्वेशन नंबर वन दे दो, अभी टर्म पे आओ बेटा वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन यानी कितना बेटा ए 16 बेटा ए प्लस एन यानी कितना बेटा 16 माइनस वन इंटू डी, ए 16 कितना दिया गया 73, पुट करो यहाँ पर 73 इज इक्वल टू ए प्लस 16 में से वन का बेटा 15 डी, इसे इक्वेशन नंबर हम कितना दे देंगे 2 दे देंगे, कितना दे देंगे 2 दे देंगे। अब बेटा हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बोलेंगे बेटा हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहले लिखो बेटा 1 एंड 2 से ऊपर बड़ा वाला इक्वेशन लिखो 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी, नाउ नेक्स्ट वन बेटा 38 इज इक्वल टू बेटा ए प्लस 10 डी, सब्ट्रैक्ट करो बेटा माइनस माइनस माइनस, इस 73 में से अगर बेटा हमने माइनस करें कितना आएगा 73 में से अगर हम 38 को माइनस करते हैं जैसे वन लिया बेटा कितना 35 ओके, तो यहाँ का बेटा 35 इज इक्वल टू प्लस माइनस कट हो गया, और 15 में से 10 का बेटा 5 डी, 5 वन 5 5 7 35, तो डी कितना आ गया 7, डी कितना आ गया स्टूडेंट 7 आ गया, अब डी 7 आ गया तो ए निकालना है, इक्वेशन नंबर का हमें पुट कर सकते हैं हम इसे, तो हम बोल देंगे पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे उसमें 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ओके तो लिख दो बेटा 38 इज इक्वल टू ए कितना है नहीं है ए प्लस 10 इंटू डी कितना आ गया 7, तो ये बेटा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 7 जा 70, ओके 70 किधर लेके आओ स्टूडेंट्स 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 32, तो ए आ गया हमारे में -32। अब हमें फाइंड करना है कौन सी टर्म, अब देखो बेटा हमारे पास में ए भी आ गया डी भी आ गया, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द 31st टर्म, क्या पूछा गया था 31st टर्म, तो चलिए बेटा 31st टर्म को हम निकालेंगे बेटा, तो ए 31st आएगा क्या आएगा ए 31st इज इक्वल टू वही फार्मूला ए प्लस एन कितना जाएंगे बेटा 31 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया हमारे में डी कितना आ गया 7 क्या वैल्यू पुट कर देते हैं इसको ए 31st इज इक्वल टू ए कितना है -32 प्लस 31 में 7 माइनस कर बेटा 30 इंटू 7 -32 प्लस 37 जा 210 अब इसमें जो 210 में से अगर माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा बताओ बोला 178 ना 178 एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम चलो ठीक है आज इतना रहने दे हाँ सर आज इतना रहने तो बाकी कल ले लेंगे बाकी के बारे प्रॉब्लम बेटा आदित्य क्या बोलते बेटा मुझे कुछ नहीं चलता सर हाँ तभी फिर देखो इसमें जो कुछ क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे 7-8 आता होगा तो करो यस सर करके देखते सर 5-9 तक देखो करके अगर आते होंगे तो करो नहीं तो फिर तो कल तो हम लेने वाले कल पूरे मार देता हूँ ना इतने क्वेश्चन में 18 तक 18 तक पूरे हाँ तो आप इतने पर कुछ करके देखो उसके अगले 7-8 क्वेश्चन जमते कि नहीं आपको जम गए तो बहुत अच्छी बात है बेटा समझ जाना नो प्रॉब्लम है यस सर करके देखो कुछ मैंने आरडी शर्मा के क्वेश्चन दिया था इनको बच्चों को आज उसके स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो बेटा हमारे ऑल इन वन क्लासेस के यस सर वो डाल दो गर्ल्स किस में गर्ल्स डालेंगे बॉयज किस में बॉयज डाल दो जिनके पास में नहीं वो क्वेश्चन देखो आपको समझते ही ओके तो आज इतना रहने दो बेटा गुड बाय टेक केयर बाय बाय ठीक है